ओम श्री परमात्मने नमः 15वां अध्याय है। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि को स्वामी, देह आदि को का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा तथा रसना ग्रहण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को या आत्मा को यत्न करते हुए भी तत्व से जानते हैं और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस रूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है तथा उन दोनों से उत्तम तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र को मेरे द्वारा कहा गया है,
इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भले प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भले प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की ही विशेष चेष्टा करे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मा ने नमः। 16वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा को जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन वाणी और शरीर में से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण अपना अपकार करने वालों को भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा आदि न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज क्षमा धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता का अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, पाखंड घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान, यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए सब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य में निवृत्त होने को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। व्यासुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसा मानने वाले हैं। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के अन्याय पूर्वक धनादि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह होवेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों को से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान हूँ और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार की अज्ञान से मोहित हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ
मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधा दी के प्राण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित हुए मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी धर्मों के को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात सूकर कूकर आदि नीच योनि में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूल पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। ये अर्जुन, काम क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम क्रोध और लोभादि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या सा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में देवासुर संपत्ति द्विभाग योग नामक 16वां अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। 17वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादि को पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी की वा तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्य की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर मन और इंद्रियां आदि को के रूप में परिणित हुए आकाश आदि पांच भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रुश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला एवं रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे लवणयुक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण रूखे और दाहकारक एवं दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अध पका रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए ही अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है उस यज्ञ को तो राजस जान।
तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्न दान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है तथा जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों को पढ़ने एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़तापूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान क्लेश पूर्वक था, प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के लिए अर्थात मध्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत् सत् ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा को नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव को फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्य ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भावों में, श्रेष्ठ भावों में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसे कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत्य ऐसा कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद गण परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के लिए सहित आचरण करे। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। उसके उपरांत अर्जुन बोले ओम श्री परमात्मा ने नमः 18वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन बोले हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त हैं इसलिए त्यागने के योग्य हैं और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है तथा यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है।
किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सभी दुख रूप है ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसा समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना गया है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है वही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है, क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसा कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा और बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाला कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में यह पांच हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तो मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही पांचवा हेतु देव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके यह पांचों ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण और क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू तो सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता की सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाला पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ वह कर्म सात्विक कहा जाता है, और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है, तथा जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त
युग कार्य की सिद्धि होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। और जो असत्विक से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि तो सात्विकी है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है और तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत मानती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धारणा तो सात्विकी है। और हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुखों का एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता और अर्थात धारण किए रहता है वह धारणा तामसी है। हे अर्जुन, अब सुख भी तू तीन प्रकार का मेरे से सुन। हे भर्तृ श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि या उन्मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसलिए हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्मा तत्व का अनुभव भी, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वाभिमान, स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र ज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौ पालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि
धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग द्वारा भी परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंदन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है उसको भी तू मेरे से संक्षेप से जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी जीते हुए मन वाणी शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के प्रायण हुआ सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्दाधिक विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ सच्चिदानंदन ब्रह्म में एकीभाव होने के लिए योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंदन ब्रह्म में एकीभाव से स्थित हुआ प्रसन्नचित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा ही करता है, एवं सब भूतों में संभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। मेरे प्रायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए है अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्ययुक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार के फिर तू जैसा चाहता है वैसा ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। इतना कहने पर भी अर्जुन को कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो, और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मेरे संग चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विविधता पूर्वक पूजन करने वाला हो, और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सहजता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भावपूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत
प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है, इसलिए सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण हो को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित प्रति रहित के प्रति, तथा न बिना सुनने की इच्छा वाले के ही प्रति कहना चाहिए, एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं है, ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा, और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा अथवा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होएगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन तूने एकाग्रचित से श्रवण किया, और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना, कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्ययुक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति, ऐसा मेरा मत है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्ष न्यास योग नामक 18वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु।